राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मेरे सभी देखिए परचूला का प्लांट्स कॉस्मोस सभी अच्छे से ब्लूमिंग हो रखी है, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। कैसे सब लोग देखिए, अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने सभी छोटे छोटे पॉट पे या कोई डिब्बा जो मिलता है मुझे उसी पे मिट्टी भर के मैं छोटे छोटे इसके कटिंग लगा देती हूँ। और लगाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजल्ट। अभी तो सुबह है, धूप इतना निकला भी नहीं है, तो फिर भी ये धीरे धीरे करके ब्लूमिंग हो रही है। जब अच्छे से धूप निकलती है तो ये सभी जितने सारे कॉस्मोस परचूला का है वो अच्छे से ब्लूमिंग होती है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, और ये सामर के बहुत अच्छे फ्लावर्स से हम लोग छोटे छोटे कटिंग भी लगा सकते हैं। आप लोगों को इसे लगाने के लिए इतना कोई केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग बस मिट्टी पे लगाओगे फिर भी अच्छे से ब्लूमिंग होती है, या और थोड़े खाद डाल के लगाओगे और भी ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। तो मैंने भी ऐसे ज़्यादा मैंने कुछ खाद वगैरह नहीं डाला है, मैंने मिट्टी ही भराया है सभी पे। तो यहाँ पे व्हाइट कलर में, पिंक कलर में, येलो कलर में है। मेरे पास तीन वेराइटी के है मेरे पास, और एक है ये 9 o'clock बोलते इसे, ये भी मेरे पास है। और मैं हर साल रखती हूँ सेव करके, ताकि मुझे और ना दूसरे के घर से लाना पड़े या तो ना खरीद कर मैं कुछ कोई भी यहाँ पे जितने सारे मैंने लगाया हुआ प्लांट है सभी मैं खरीद कर नहीं लाती हूँ, फ्री में ही मैं उगाती हूँ। मैं एक बार अगर मेरे गार्डन पे लग गया तो फिर वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से केयर करती हूँ इसका। तो आप लोग भी ज़रूर केयर करें, और फिर अच्छे से हमारे गार्डन भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मनी ग्लोरी, इसे मैंने छोटे बम्बू के सहारे ऊपर चढ़ाया है। देखिए गाइस, अभी छोटे छोटे बर्ड भी आ रही है। ये भी मैंने मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, और उसी का सीड एक बार पहले ही ब्लूमिंग हो गया, और उसी का फिर दूसरा सीड लगा लिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा यानी भी शायद मेरे फूलों का रस ले रही है, और फिर सभी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। बहुत अच्छा लगता है अपना गार्डन को देख के। और जब भी मेरा शुरुआत सुबह का तो मेरे फूलों से ही होता है। मैं हमेशा फूल को देखती हूँ, एक घंटा फूल को केयर करती हूँ। कटिंग करना है, हेडिंग करना है, डेड हेडिंग जो होता है उसको हमें हेडिंग करना चाहिए, ताकि अच्छे से और फ्लावर्स खिले। तो मैं तो ऐसे ही केयर करती हूँ, आप लोग ऐसे करते हो। और देखिए यहाँ पे बटल में छोटे छोटे बटल होल करके उस पर भी मैंने लगाया हुआ है। मुझे जितना आता है मैं कोशिश करती हूँ अच्छा बनाने के लिए। तो गाइस आप लोग, हर किसी का अपना अपना आइडिया होता है। और यहाँ पे मैंने बोगनविले का कटिंग लगाया है, देखिए अभी सामर पे लगा सकते हैं बोगनविले के कटिंग, और मैंने लगाया भी है। और कोई कोई मेरा बोगनविले अच्छे से चला है। तो यहाँ पे ये मेरा बाहर का गार्डन है गाइस, और मेरे बालकनी पे एक गार्डन है, और फिर मेरे तीन गार्डन है सभी मिला के। तो मैं अभी सब आप लोगों को एक एक करके गार्डन दिखाऊंगी। पहले तो दिखाई थी मेरे बालकनी पे जो गार्डन था उस पर बारिश की वजह से बाहर के गार्डन सब खराब हो जाते हैं। हमारे यहाँ 2 दिन पहले बहुत बड़ा तूफान आया था, और मेरा फ्लावर से भी इधर का उधर हो गया था, फिर भी मैंने अच्छे से समेट लिया है और अच्छे से रख लिया है। तो आज स्कूल भी नहीं है, छुट्टी है, तो सुबह से मैं काम कर रही हूँ अपना गार्डन का, ख्याल भी रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को कैसे लगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।